Hey guys, welcome to my channel Glam Up. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी आंखों के बारे में. आपकी आंखें आपके दिल की खिड़की है, तो ये बात गलत नहीं होगी, है ना? तो हमारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं. जो बात आपकी जुबान नहीं कह सकती, वो बातें हमारी आंखें कह देती हैं. आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन अगर इन्हीं आंखों में डार्क सर्कल हैं, पफिनेस है या होलो आए हैं, तो सही नहीं है ना. तो इन तीनों को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, घर पर ही होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके आप इन तीनों को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी. इसी वीडियो में आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में सब चीज़ मिल जाएगी. इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. एक ही वीडियो देखने से आपकी इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वजह ये किन रीज़न की वजह से होती है और इसका क्या सोल्यूशन है, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा. तो आपको इसी टाइप की 10 तरह की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी. आज मैं आपके साथ इन तीनों टॉपिक के बारे में काफ़ी डीपली बात करूंगी कि किन रीज़न की वजह से आपको ये सब चीज़ें हो जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं डार्क सर्कल से. डार्क सर्कल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर में. बहुत सारे रीज़न की वजह से ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, लेकिन इसकी बहुत कॉमन रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो ये हैं कि जब आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तब आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, 24 घंटे फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है. इसके अलावा एलर्जी, किसी तरह की कोई एलर्जी या सन में जाना बिना प्रोटेक्शन में, यानी कि धूप में जाना और बिना सन ग्लासेस लगाए, तब भी आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों से आप किस तरीके से बच सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप और फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करना है. 24 घंटे अपनी आँखों के आगे फ़ोन और लैपटॉप नहीं रखना है, अवॉइड करना है जितना हो सकता है, आप उसे दूर रहें. और अगर आपकी जॉब कुछ इस तरीके की है कि 9 से 10 घंटे आपको लैपटॉप के आगे या फ़ोन के आगे बैठना ही है, तो आप क्या करेंगे, 1-2 घंटे के बाद अपनी आंखों को साफ़ पानी से धोएंगे. या साफ पानी यानी कि जिस पानी को आप पीते हैं, मिनरल वाटर, उस पानी से अपनी आंखों को धोएंगे. अपनी आंखों को धोने से आपकी आंखें काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी, काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और इससे आपके डार्क सर्कल रिमूव होने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. होम रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपको एलोवेरा जेल की 1 ड्रॉप इस फिंगर पे और 1 ड्रॉप इस फिंगर पर लेकर इस तरीके से आपको मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ और काफ़ी हल्के हाथों से. बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो हमारी स्किन होती है ये हमारे फेस से थोड़ी सी अलग होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है. अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ फूल जाएगी, जिसे पफिनेस कहते हैं. तो आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको 10 बार सिर्फ इस तरीके से मसाज करनी है. और ये मसाज अगर आप रात को करें तो ज़्यादा सही है. अपने फेस को वॉश करके एलोवेरा जेल से अपनी आंखों के चारों तरफ इसको मसाज करें, तो आपके डार्क सर्कल काफ़ी जल्दी रिमूव हो जाएंगे. इस मार्केट में काफ़ी सारी क्रीम अवेलेबल हैं कि इसका इस्तेमाल करने से आपके डार्क सर्कल रिमूव हो जाते हैं, तो उन क्रीमों से भी इतनी जल्दी आपके डार्क सर्कल रिमूव नहीं होंगे जितनी जल्दी आपके डार्क सर्कल एलोवेरा जेल से, कॉफ़ी से रिमूव हो जाएंगे. क्योंकि मैंने ये खुद से ही इस्तेमाल करी हुई चीज़ें हैं, खुद से इस्तेमाल करी हुई रेमेडीज़ हैं. इन सब रेमेडी से, होम रेमेडी से आपके डार्क सर्कल काफ़ी जल्दी रिमूव हो जाते हैं. इसके अलावा मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने डार्क सर्कल के बारे में काफ़ी डीपली बताया हुआ है. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरी कि किस तरीके से आप घर पर ही होम रेमेडी बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं अपने डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए. नहीं तो इस वीडियो में तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि आप एलोवेरा जेल से ही अपने डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हैं. और जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं कि आपको नींद लेनी है, आंखों को धोना है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, ये सब आपको फॉलो करना है. अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे. तो एक और शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक ही इंग्रेडिएंट से आप अपने डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हैं. आप चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, यानी कि पफिनेस ऑफ आई.
पफिनेस ऑफ आई क्या होता है, आई बैग्स भी जिसे कहते हैं, तो ये कुछ टाइम पहले मेरे ही हो गए थे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो एरिया था, ये सूज गया था, थोड़ा सा ही था, जिसे फर्स्ट स्टेज की पफिनेस कहते हैं। तब मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर किया और मैंने कहा कि ये किस तरीके से ठीक की जा सकती है। तो जब ये कम हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी इसके बारे में शेयर करूं। तो हमारी आंखों के नीचे जिस तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है, हम उसे यही कह देते हैं कि डार्क सर्कल हो रहे हैं। लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हैं। डार्क सर्कल का मतलब होता है कि सिर्फ काले घेरे आपकी आंखों के नीचे आ रहे हैं, और पफिनेस का मतलब होता है कि आपकी आंखें सूज रही हैं, सूजन सी आ रही है, थोड़ी सी फ्लावट आ गई है इधर, वो अलग ही चमकती है। और होलो आई का मतलब होता है जब आपकी आंखें अंदर की तरफ धंसने लग जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बजाय एक ही कैटेगरी इसकी बना देते हैं कि ये भाई डार्क सर्कल हो रहे हैं, ये भाई डार्क सर्कल हो रहे हैं, और उसके लिए वही अपना रेमेडी जो बताई जाती है उसी को ही फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो आप पहले तीनों को अलग अलग जाने, तीन स्टेज की ये होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज। तो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में कि फर्स्ट स्टेज की जो पफिनेस है उसे तो घर पर ही रिमूव किया जा सकता है। इसकी तो होम रेमेडी से ही आप अपने घर पर ही अपनी पफिनेस को रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेज की, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये पफिनेस बढ़ती चली जाती है। तो और जो सेकंड स्टेज की पफिनेस है या थर्ड स्टेज की पफिनेस है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी आंखें सूज जाती हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो रेमेडी वो डॉक्टर बताएंगे आपको उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। चलते हैं उन रीजंस की वजह से, जिस रीज़न की वजह से आपकी आंखें नीचे से सूज जाती हैं, पफिनेस आ जाती है। इसके तीन कॉमन रीज़न हैं, वाटर रिटेंशन, एलर्जी और स्लीपिंग पोजीशन। अगर आपकी आंखों के नीचे पफिनेस है तो वो आपके सोने के पोजीशन पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कहते हैं कि हमारे को स्ट्रेट सोना चाहिए, सीधा सोना चाहिए। सीधे सोने से आपकी आंखों के नीचे पफिनेस नहीं आती है, लेकिन अगर आप उल्टा सोते हैं तब आपकी आंखों के नीचे पफिनेस आती है। इवन आपकी काफ़ी स्किन प्रॉब्लम भी इसी रीज़न की वजह से होती हैं, आपके रिंकल, फाइन लाइंस भी इसी रीज़न की वजह से होती हैं अगर आप उल्टा सोते हैं। तो कहते हैं स्ट्रेट सोना चाहिए। स्ट्रेट सोना काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तब भी आपको स्ट्रेट सोना चाहिए। स्ट्रेट सोने से आपकी आंखों के नीचे पफिनेस नहीं आएगी, आपके फेस पे रिंकल नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं होगी, इसीलिए आपको स्ट्रेट सोना है। और किसी तरह की कोई एलर्जी हो गई है, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई क्रीम से भी आपको एलर्जी हो सकती है, इन सब रीज़न की वजह से आंखों के नीचे जो है वो पफिनेस आ जाती हैं। तो इसे किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, इसकी पहली होम रेमेडी है कि आप अपने फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में आप एक चम्मच रख दें और उस चम्मच से अपने आंखों के नीचे सुबह शाम मसाज करें, दोनों आंखों के नीचे, तो आपकी जो पफिनेस है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। और दूसरी होम रेमेडी है कि एक पोटैटो को कट करके आप इस जगह पर रखें, इससे भी आपकी आंखों की पफिनेस कम होगी। तीसरी रेमेडी है कि आप कैफीन क्रीम का इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी आंखों की पफिनेस काफ़ी जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो अब चलते हैं तीसरा स्टेप यानी कि होलो आई की तरफ, कि ये किन रीज़न की वजह से हो जाती है, किस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो होलो आई की जो कॉमन, बहुत कॉमन रीज़न है वो है एलर्जी, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है होलो आई की। इसके अलावा जो रीज़न है वो है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को है तो इसकी वजह से भी आपको हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने फेस का वेट लॉस करते हैं, एकदम से ही अपने फेस का वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि आप किस तरीके से, कौन सी एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके अपने फेस का वेट लॉस करते हैं, और इस एक्सरसाइज को दिन में 3 या 4 बार आप करने लग जाएं और सोचें कि बहुत जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, वेट तो कम होगा, तो ये वाली जो आँखें होंगी ये बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएंगी, ये वाला हिस्सा बिल्कुल अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा। जो आपकी नाक है वो काफ़ी इस साइड से बड़ी दिखना
स्टार्ट हो जाएंगी, जिसे बोलते हैं होलो आई, और ये जगह इतनी काली हो जाएगी। किसी तरह का कोई मेकअप या क्रीम अगर आप लगा लेंगे तो वो अलग से ही दिखाई देगा। अगर आप इतने मेकअप में एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसे छुपा भी नहीं पाएंगे। और एक और रीज़न है आपकी होलो आई का, जब आप ठीक से सोते नहीं हैं, 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं या डिस्टर्ब स्लीप सोते हैं, तब भी आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, जिसे होलो आई कहते हैं। तो किस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हो सकती हैं जिसे फॉलो करके आपने होलो आई को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे से स्केड्यूल सेट करना है कि इतने घंटे आपको सोना ही सोना है। दूसरा, आपको आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। इस जगह पे आपको एक एक ड्रॉप से हल्के हाथों से मसाज करनी है, और आप इसके लिए रोगन बादाम श्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक कुकुम्बर को फ्रिज में रख के काफ़ी चिल्ड करके अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इससे भी आपकी जो होलो आई है रिमूव होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जब भी आप कभी धूप में जाएं तो सन प्रोटेक्शन यानी कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा अच्छा खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और एक एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको फॉलो करें। जब भी आप रात सोने लगते हैं उस टाइम पर सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप आपको यहाँ अपने हाथ पे डालनी है, लाइट ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप सिर्फ 2 ही ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो बहुत लाइट होना चाहिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बूंदे आप लें और इस तरीके से इसे गर्म करें, हीट करें, और इसके बाद अपनी आंखों पर रखें इस तरीके से। तो आपकी जो आँखें हैं इधर, आपकी आंखें इधर होंगी, ये वाला हिस्सा आपकी आंखों के ऊपर आएगा, और आपको ज़ोर से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको करना है, इसको दबाना नहीं है, अपनी आई बोल के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। तो आपको इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी होलो आई रिमूव होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जिस भी ऑयल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट होना चाहिए, वो बहुत थिक ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी थिक ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों के नीचे फुलावट आ जाएगी, जिसे पफिनेस कहते हैं। अगर आप अपने होलो आई को रिमूव करना चाहते हैं, या ये सब तो हो गए कि परमानेंट अपनी होलो आई को रिमूव कर सकते हैं होम रेमेडी का इस्तेमाल करके, एक्सरसाइज करके, और जो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन अगर आपकी होलो आई है और आपको कहीं जाना है और आप मेकअप अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपने होलो आई को कवर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेकअप अप्लाई करने से पहले आपको एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद आपको जगह पर कंसीलर का इस्तेमाल करना है, येलो बेस्ड कंसीलर, और आपकी स्किन से काफ़ी लाइटन होना चाहिए, जिससे आपका ये जो एरिया होगा काफ़ी ब्राइटन हो जाएगा और अलग से नहीं चमकेगा, आपकी स्किन की तरह ही लगने लगेगा। सो इस तरीके से आप अपने होलो आई को कवर कर सकते हो मेकअप से। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।